योगी बोलते हैं कि हमने यूपी से पूरे क्रिमिनल को माफिया को खत्म कर दिया, तो हम योगी आदित्यनाथ से और वो भी कहते हैं कि चुनाव के बाद फिर बुलडोजर शुरू हो जाएंगे। योगी जी ये तो बताइए, ये जो हम पर चार गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये किसकी नाजायज औलाद थी? क्या ये गोडसे की औलाद नहीं थी जो हम पर गोली चलाई थी? नहीं थी। फिर ये योगी के मंत्री उनके घर चले गए परिवार के, हमदर्दी जताए और बोले वी लव यू। ये कैसी मोहब्बत है बाबा तुम्हारी? जो गोली चला रहा है उसको संविधान पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, जो गोली चला रहा है उसको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर, पुलिस पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है। और क्यों गोली चलाया? इसलिए चलाया कि ओवैसी अपनी जबान से बीजेपी के खिलाफ बोलता है। तो सुन लो गोली चलाने वालों, जब तक जिंदा अल्लाह परवरदिगार रखेगा हम अपनी जबान को तुम्हारे जुल्म के खिलाफ, मजलूमों के इंसाफ के लिए और हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए हम बोलते रहेंगे। तुम्हारी गोलियां चलती है चलाओ, हमको मौत से डर नहीं, हमको मरने के बाद जो हिसाब किताब होगा उससे डर है। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि सांदिला विधानसभा से और हरदोई के सदर सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के दोनों त्याशी उम्मीदवारों को आप अपना खीम की ओर लेकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर उनको कामयाब करिए। और जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, उसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं और हमने तय किया कि इंशाल्लाह अगर उत्तर प्रदेश की जनता भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता या इख्तदार देती है तो इसके पहले मुख्यमंत्री बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे ढाई साल के लिए, और ढाई साल के बाद दलित समाज से एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर हमने फैसला लिया कि तीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज से मुसलमान, एक निषाद समाज से और एक अति पिछड़ा समाज से। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और हमारे लिए सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि यह हमारी कोशिश को जुदाजहद है। और उस कमली जामेनामा पहनाने का काम हम तमाम लोग बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ कर रहे हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है, 23 तारीख के दिन जब यहाँ पर वोटिंग का मतदान का दिन होगा, आप लोग अपने अपने घर से सुबह निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि इस विधानसभा में रेल ओवर ब्रिज का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और सांदिला रेलवे स्टेशन के ऊपर फ्लाई ओवर का काम डबल इंजन की सरकार सरासर नाकाम साबित हुई। वहीं पर बेगमगंज में आरओबी का एक काम रुका हुआ है, बहुत से मसाइल है, यहाँ पर मुश्किल है, रोड नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को कामयाब करिए। ये जो आपके विकास के काम रुके हुए हैं, स्कूल के काम, आरओबी का काम रुका हुआ है, इंशाअल्लाह ताला यकीनन मजलिस का उम्मीदवार ये काम करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मजलिस के मुखालिफीन बार बार ये कहते हैं कि हैदराबाद की पार्टी है, कि हैदराबाद से आए हैं।
यकीनन मैं हैदराबाद से आया हूँ, मगर क्या मजलिस के विधायक महाराष्ट्र में नहीं है? क्या मजलिस का एमपी महाराष्ट्र से नहीं है? क्या मजलिस के विधायक पांच विधायक बिहार से नहीं है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर यहाँ पर सांसद बन गया, मैं तो यहाँ पर ना मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, ना प्रधानमंत्री, ना कोई मंत्री बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि मजलूम आवाम को उनका हिस्सा मिले। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई यही चीज है कि जिसके बिना पर सबके सब मिलकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पर और खास तौर पर मुझ पर तनकीद करते रहते हैं। आप बताइए, हरदोई की सदर सीट है, वहां पर पांच साल पहले आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, वो जीत गए, और जब उसके बाद बीजेपी में चले गए तो क्या हमसे कुछ कर गए बीजेपी में? हमने उनको बुलाकर उनसे कहा कि यहाँ पर चला जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को, मैं बार बार अपने हर जलसे में, अपनी हर सभा में इस बात को कहता हूँ कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। आप खुद अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि आपका नेता कौन है? नहीं नहीं, मेरा नाम दोहराने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए कि आपका नेता, आपका कोई नेता नहीं है। आपको सिर्फ डरा डरा कर पिछले 30-35 साल में सिर्फ वोट हासिल किया गया कि हमको वोट दो हम बीजेपी को रोक देंगे, हमको वोट दो हम तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे, हमको वोट दो तुम्हारे बच्चे को पुलिस के जुल्म से रोक देंगे, हमको वोट दो हम उनको सामाजिक न्याय दे देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, आप कब तक डर कर वोट डालेंगे? क्या आप कभी उम्मीद के ऊपर वोट नहीं डाल सकते? आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर अपील कर रहा है कि आप उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। डर की बुनियाद पर 30-35 साल से आप वोट देती आए हैं। मैं हमारे सरदार बुजुर्गों से अपील करूंगा कि ये नौजवानों का मुस्तकबिल इनका मुस्तकबिल है। अगर आज जो बच्चा और बच्ची 15 साल की है, 5 साल के बाद जब 20 साल के हो जाएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे उन बच्चों को जब आपसे सवाल करेंगे कि बताओ मेरी सुरक्षा के लिए क्या किया गया, मेरी शिक्षा के लिए क्या किया गया, मेरे विकास के लिए क्या किया गया, मेरे मान और सम्मान के लिए क्या किया गया? तो आप ये कहेंगे कि हमने सपा को और बसपा को वोट दिया था। आपके पास जब तक आपकी लीडरशिप नहीं होगी, जब तक आपके वोटों से आपके विधायक कामयाब नहीं होंगे, आपकी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी में कल्याण सिंह को लिया गया तो आपको आकर कहा गया कि हिकमत का तकाजा यह है कि खामोश हो जाओ। वही कल्याण सिंह थे जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। आज समाजवादी पार्टी में आरएसएस के मानने वालों को टिकट दे दिया गया। हसनपुर से आरएसएस का मेंबर है, उसने टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया। चांदपुर विधानसभा से एक ऐसे शख्स को अपना प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया जिसको खुद 2013 में अखिलेश की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में उसको गिरफ्तार किया था। आप नहीं देख रहे कि क्या आपके सामने तमाशा किया जा रहा है, मगर आज भी आकर आपसे कह रहे हैं कि सपा को वोट दो, सपा को बीएसपी को वोट दे दो, बीजेपी को रुकाना है। अरे क्या बीजेपी को रुकाना सिर्फ ओवैसी की जिम्मेदारी है, अखिलेश की बहन जी की नहीं है? क्या आपने 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमारा कोई उम्मीदवार, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं था, तब भी 65 के करीब बीजेपी के उम्मीदवार उनके प्रत्याशी कामयाब हो गए? क्या आपके वोट की अहमियत नहीं है? मैं आपको तल हकीकत बयान कर रहा हूँ, आपके वोट की अहमियत नहीं है। अगर आपके वोट की अहमियत को बताना है तो आप मजलिस में अपने अपना वोट दीजिए ताकि उन लोगों को मालूम हो जाए कि अब आप बेदार हो चुके हैं और आप डर की बुनियाद पर नहीं उम्मीद की बुनियाद पर वोट देंगे। अगर कल समाजवादी पार्टी का हाल यह है कि अगर आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि बताओ कर्नाटका में जो बच्ची हिजाब और निकाब पहनकर लड़ाई
अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। वो वीडियो देखा आपने, एक मीडिया का भी सवाल कर रहा है अखिलेश, कह रहे कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जब उनसे मुस्लिम वोट के बारे में पूछा गया तो कहा गया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अभी सत्ता में नहीं है तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या आप कैसे ऐसे लोगों को वोट देंगे? इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि मेरा मकसद उत्तर प्रदेश को आने का, या मैं आता रहूंगा इंशाल्लाह, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी शोहरत में इजाफा हो, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी ताईफ में आप नारे लगाओ, मेरा मकसद ये है कि आपके सफों में, आपके बीच में से कोई नेता बने जो आपकी खियादत करे, आपकी रहबरी करे, आपके नाइंसाफी के खिलाफ लड़े। आपके खिलाफ जब जुल्म होगा तो विधानसभा में गूंगा अंधा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि लड़े और पुकारे कि इंसाफ करो, हक दो विधानसभा में। आप बताइए कि किसने आवाज उठा दी? लोग आपसे बोलेंगे अरे भाई यहां से ये कामयाब हो गए। मजलिस में अगर 7-8 लोग कामयाब हो गए तो क्या होगा? आप उनको जवाब दीजिए। और मैं जवाब दे रहा हूं इस मंच से, भारत की पार्लियामेंट में 540 MPs है, मजलिस के सिर्फ 2 है, और अल्लाह के फजल करम से आपकी दुआओं से जब ये दोनों खड़े हो जाते हैं तो 300 बीजेपी के MP खड़े होकर हमारा इस्तकबाल करते हैं। ये मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा, वरना याद रखिए जिंदगी भर सिर्फ मुशायरे होते रहेंगे, वाह वाह होते रहेगा, आप सिर्फ समाजवादी और बसपा के लिए दरी बिछाते रहेंगे और नारे लगाएंगे भैया तुझ पर जवानी कुर्बान और आपके बच्चों की जवानी बर्बाद होते रहेगी। आपको अपने हक के लिए लड़ना है, और हक के लिए लड़ने का पहला तकाजा जमहूरियत में लोकशाही नहीं है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बताइए 2012 से 2017 सपा की सरकार थी, क्या उन्होंने जो वादा किया था कि मुस्लिम समाज को रिजर्वेशन देंगे, रिजर्वेशन दिया नहीं दिया? खुद समाजवादी पार्टी का एक सहयोगी है, जहूराबाद से इलेक्शन लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपने ही पार्टी के 45% मुस्लिम नेताओं का टिकट काट दिया। क्या आपकी अहमियत नहीं है? आपका नाम लेने से डरते? बताइए जमहूरियत में अगर आपका नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर आपके मसाइल कौन हल करेगा? लफ्ज मुसलमान का नाम तुमने सुना बहन मायावती से अखिलेश के जबान पर, क्यों नहीं बोलते? डरते? अरे अगर नाम लेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। अरे वोट तो सबका लेना है ना, तो मैं क्या तुम्हारा खैदी हूं कि मैं क्या तुम्हारे घर का गुलाम हूं कि तुम मेरा नाम भी लेने से कतराते हो? जब सत्ता आएगी तो भूल जाएंगे आपको। मुजफ्फरनगर का कार्ड पुकार पुकार कर तुमसे कह रहा है, अगर अल्लाह ने तुमको धड़कता हुआ दिल है तो सुनो, उनसे इंसाफ नहीं हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए, कई महिलाओं की इज्जत तो की गई, इंसाफ नहीं हुआ। किसकी सरकार थी? कौन था मुख्यमंत्री? वो ऐसी था, यही लोग थे ना, और उसके बावजूद भी आज इल्जाम लगाते तो डर की बुनियाद पर नहीं, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, यकीनन मोदी और योगी को हराएंगे, योगी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यकीनन इंशाल्लाह ताला 24 में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मगर इसके लिए आपके दरमियान में लोग आकर आपको बोलेंगे कि बेटा हिकमत ये है कि इनका साथ दे दो, कब तक हिकमत के नाम पर बुजदिली के मजाहरे हम करेंगे? कब तक हिकमत के नाम पर बुजदिली के मजाहरे करेंगे? और मोहब्बत तो एक तरफा नहीं हो सकती ना, मोहब्बत एक तरफा मोहब्बत है, थाली जो हाथ से बनती है मेरे भाई मेरी अब मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है, होता है ना, जो इश्क करता है वो अपने महबूब का दीवाना हो जाता है, बार बार दौड़ता है अपने महबूब के पास, बार बार दौड़ता है कि काश वो देख ले मुझे या देख ले मुझे। रुकिए रुकिए रुकिए, अब ये मगर यहां कौन सा इश्क हो रहा है? वन में इश्क हो रहा है, और जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो आपका नाम लेने भी तैयार नहीं है। आप बताइए कौन सी मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है, ये बर्बादी को दावत दे रहे हम लोग। आज आपको नहीं दिख रहा है, मैं दूर किया आज से 10 साल पहले बात
ये तरफा मोहब्बत अब नहीं चलने वाली है। अगर मेरे पैर में कांटा चुभता है तो क्या मैं पड़ोसी को बोलूंगा या अपने हाथ से उस कांटे को निकालूंगा? बताइए, आपके बीच पर एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार धोखे से खंजर मारे गए, अब उन पीठ के जख्मों को मरम कौन लगाएगा? इतने लगाएंगे या आप लगाएंगे? ये फैसला आपको करना। रहा सवाल बीजेपी का, योगी का, मोदी का, अरे इन लोगों ने तो 7 साल में भारत के युवाओं का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश हो या भारत हमारा वतन अजीज हो, यहाँ का युवा नौकरी के लिए तड़प रहा है मगर नौकरी इनके पास नहीं है। जब ये लोग नौकरी का मुतालबा करते हैं तो ये कहते हैं कि बेटा तुम गौ रक्षक बन जाओ, नौकरी नहीं दे पाते मोदी और योगी। कहां गई नौकरी बताइए आप? 5 साल पहले योगी ने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। कितनों को नौकरी दी? नौकरी किसी को नहीं दी। वो योगी कहते हैं कि हमने क्रिमिनलों को भगा दिया, माफियाओं को भगा दिया। अरे आपने क्रिमिनल माफिया को भगाया नहीं भगा उसको हम जवाब दे देंगे, मगर वो किसान जो रात रात भर जागता है अपनी फसल को बचाने के लिए, उसको कौन बचाएगा? उन चार पैरों के जानवर से वो कि अगर वो सो गया किसान तो सुबह तक फसल है। मगर बाबा बोलते हैं, बाबा आप कभी किसान के खेत पे जाके दो रात सो जाओ, अगर आप रात में सो गए तो हम बात करेंगे। हाँ सही क्या? और फिर कहते हैं कि पूरा क्रिमिनल भाग गया, माफिया भाग गया। कहाँ भागा? हमारी गाड़ी पर MPA 4-4 गोलियां चलाते, ये कौन से माफिया के दामाद थे जो हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाए? ये कौन से क्रिमिनल थे? ये क्यों इतने कट्टरवादी हो गए? क्यों रेडिकलाइज हो गए? इनके हाथ का हथियार किसके दिया? इनके दिलों और दिमाग में नफरत किसने पैदा की? क्यों उन्होंने बंदूक को उठाया? बताओ बीजेपी वालों, मगर इसका जवाब नहीं देते। अच्छा, हम पर गोलियां चलाने वालों के पास योगी का एक मंत्री पहुंच जाता है, उनके परिवार से जाकर कहता है कि हम तहकीकात कराएंगे। अरे तुम्हारी सरकार पर तुमको भरोसा नहीं? वीडियो में गोली चला रहे तुमको भरोसा नहीं? और देश के प्रधानमंत्री को माशाल्लाह, आजकल हर भाषण में कह रहे भाइयों बहनों, मैंने मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक का कानून बनाया। मोदी जी, ट्रिपल तलाक के कानून की जरूरत ही नहीं है महिलाओं को। ट्रिपल तलाक गुनाह है, और अगर कोई दीवाना किस्म का, बेवकूफ किस्म का शख्स देता भी है, आपने ऐसा कानून बनाया, क्या दिमाग पाया आपने मोदी जी? ऐसा कानून बना दिया कि अगर कोई कहता भी है तो शादी नहीं टूटती और जेल को भी जाएगा, यानी गुनाह होगा तो कोई जेल को जाएगा ना। पर मोदी जी बड़े विज्ञान, दिमाग में बात आ गई, कर दिए। जैसा कि रात और रात 5,000 की नोट को गायब किया, ऐसा ही कानून बना दिया। मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, बता आपका पोजीशन क्या है, आपका स्टैंड क्या है कर्नाटका में, जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेज को पढ़ने के लिए जा रही है उनको क्यों बीजेपी की सरकार रोक रही है? अगर मैं सर पर कुछ पहनता हूं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर मैं सर पर कुछ पहनकर अपने स्कूल को जाता हूं, कॉलेज को मेरी बेटी जाती है, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि इस मौजूदा दौर में जो तमाम फिरका परस्ती का जहर हर तरफ फैल चुका है, एक बीजेपी के MLA का वीडियो मुझे किसी ने भी जाया, वो कह रहा है कि वैसे ही तुम वहां पर आकर दिखाओ, कोई कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी को काट देंगे, कोई कह रहा है कि अगर मैं विधायक बन गया तो खुला नारा लगाऊंगा। आप कब तक खामोश बैठेंगे? जमहूरियत में मैं आपको हथियार उठाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वोट को इस्तेमाल करो, वोट आपका सबसे बड़ा हथियार है, मगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन रहे। आप वोट लेने वाले बनिए, अपनी ताकत दिखाइए। अरे जमहूरियत है, भारत का संविधान है, आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इस पर भरोसा रखकर अपनी जिद्दत को जारी रखना है। क्या क्या नहीं कहा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज में धर्म संसद हुआ उस पर खामोश, हरिद्वार में हुआ खामोश, रायपुर में हुआ खामोश, उनके मिले जिस तरह का बयान देते कुछ नहीं।
काम करो। अरे कौन सी हिकमत है ये? हिकमत के नाम की जो बात करते हैं, पूछो उनसे आप। आज असलम की नवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर हकीकत बयान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे अगर है तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश में स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, उत्तर प्रदेश में 3% ग्रेजुएट सबसे कम है तो मुसलमान, पोस्ट ग्रेजुएट 1% है तो मुसलमान, सबसे गरीब है तो अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार है तो मुसलमान, सबसे कम 2 एकड़ की जमीन है तो मुसलमान। बताओ फिर कौन सी हिकमत है? कौन सी हिकमत है बताओ मुझको? यही चीज जब पढ़ता हूं तो खून खौलता है। ना इंसाफी को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इंसाफी की जा रही है, दबाया जा रहा है, हक छीना जा रहा है, स्कूल नहीं खोले जाते, कॉलेज नहीं खोले जाते, गरीबी का खात्मा नहीं होता। बताइए आप कौन सी हिकमत है इसमें? अगर आज खामोश हो जाएंगे आप तो याद रखिए 10 साल के बाद और हालात खराब होंगे। जमहूरियत है, अपनी आवाज को उठाओ नौजवानों, नौजवानों अपने बुजुर्गों से जाकर कहो, समझाओ उनको, अगर मेरे चेहरे में तुमको अपना भाई बेटा नजर आता तो खुदा के लिए अपने इन बातों पर गौर करो। आप गौर करो मेरी इन बातों पर, वोट देना नहीं देना वह आपका मामला, मैं तो सिर्फ आपसे अपनी बात को रख सकता हूं। अगर अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी तो अपना कलेजा फाड़ कर तुम्हारे सामने रख देता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पहचानो अपने दोस्त और दुश्मन को, पहचानो रहबर और फैशन को। इन चीजों पर आपको गौर करके फैसला लेना है। अगर ऐसा ही खामोश बैठे रहे, आप अपनी ताकत दिखाएंगे तो ही कोई आएगा ना आपके पास। इनको मालूम कि इनका डर दिखाओ वोट आ जाता है, बीजेपी आप हमारा डर दिखाता है। अरे सर कहां जाएंगे फिर हम? बताइए आप मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों के अपने अपने वोट का इस्तेमाल कर। क्या आपने नहीं देखा हमने एक बयान दिया था, हमने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है और मेरा ख्वाब अल्लाह पूरा करेगा कि एक दिन इंशाल्लाह देश के प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब और निकाब पहनी बनेगी। हमने बात कही थी, उसके बाद से जो पेट में दर्द शुरू हो गया बीजेपी के लोगों में, जो अपने आप को सेकुलर बोलते मुझसे सवाल किए तुमने बात क्यों कही, मैंने कहा कि संविधान इसको रोकता है, तो खामोश हो गए, बोले संविधान की तुम बात करा रहा, संविधान रोकता है क्या इस बात को? याद रखो आप मेरी इस बात को, सिर्फ एक ही बात मैंने कही थी कि देश की प्रधानमंत्री इंशाल्लाह ताला एक बच्ची होगी जो सर पे हिजाब और निकाब पहन रही है तो इनको दर्द शुरू हो गया। मैंने क्यों बोला था सुनो, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? देश का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनके नाम के साथ क्या लिखते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब पंडित लिखकर प्रधानमंत्री बन सकता तो हिजाब पहनने वाली बच्ची नहीं बन सकती प्रधानमंत्री। डॉक्टर मनमोहन सिंह पगड़ी पहनते थे, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, तो सुनो संघ वालों, संघ परिवार आरएसएस वालों, जब देश का मौजूदा प्रधानमंत्री कह सकता है कि हिंदू नेशनलिस्ट है तो देश का अब इंशाल्लाह एक बच्ची हिजाब और निकाब पहनने वाली बनेगी जो इंडियन नेशनलिस्ट होगी इंशाल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने पूरा प्रोग्राम बनाया है, हमने पूरा प्लान बनाया है, माहिरीन से बात की है कि कैसे कमजोरों को उत्तर प्रदेश से उठाया जाए। लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास सत्ता नहीं आई है, सत्ता की मुझे फिक्र ही नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद कोई मिनिस्टर या मंत्री बनना नहीं है, कभी नहीं रहेगा, मेरी जिंदगी का मकसद यह है कि इंसाफ। तेलंगाना में 7 MLA है हमारी पार्टी के, एक मिसाल दे रहा हूं, कोई मंत्री नहीं है, हम भीख नहीं मांगते सरकार के पास जाकर, हमने सरकार से लड़कर तेलंगाना में ऐसे स्कूल बनाए 6th class से 12th class तक, उन स्कूलों में बच्चों को रखा जाता है, खाना खिलाया जाता है, पढ़ाया जाता है। मालूम कितने बच्चे पढ़ रहे फ्री में? आपको ये जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ये खड़ा होता है तो बीजेपी का फायदा होता, 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चे तेलंगाना में स्कूल में पढ़ रही है, ये काम क्या नहीं, ये काम उत्तर प्रदेश में
था। मैं आजाद पंथी हूं, मुझे सांस लेने की आदत है, मुझे पुकारने की आवाज है, मुझे लड़ने की आदत है। हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के वास्ते। अपनी बात खत्म करने से पहले आपको एक बात करके जाऊंगा ताकि आपके हौसलों में और मेरे हौसले में इजाफा हो। वो कर्नाटका की बच्ची को जब खेल लिया गया था, उसने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे डर होता है तो मैं नारा लगाता हूँ। क्या नारा लगाया था उसने? अभी आकर बोलेंगे बीजेपी से डरो तो तुम क्या नारा लगाओगे? इसीलिए ताइफ के सफर में आका को अपने खून में लहूलुहान होना पड़ा, इसीलिए इमाम हुसैन को अपनी शहादत देना पड़ा। अरे तुम कहां जा रहे हो, किससे डर रहे हो? उठो मेरे भाई, उठो। ये वक्त जागने का है, ये वक्त अपने हक के लड़ने का वक्त है। ये वक्त बार बार नहीं आएगा, याद रखो। मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मेरे से 56 आएंगे चले जाएंगे, मगर आपका मुस्तकबिल है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारी बेटियों का उसको रोशन बनाने के लिए आप हिस्सेदारी के लाइन में मंदिरस का साथ दीजिए, भागीदारी परिवर्तन का साथ दीजिए, अपनी नेता को बनाइए, हिस्सा हासिल करिए। यही चंद बातें मुझे आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके दरमियान में आया था। अगर मेरी जबान से कोई तल्खियत सख्त अल्फाज निकले तो मुझे दीवाना समझकर माफ कर दो आप। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मैं कभी किसी की चापलूसी या किसी के डर से अपने जबान को बदल नहीं सकता। मेरे पास अगर कोई चीज है तो मेरी जबान, मेरी सोच है, मेरी फिक्र है। मेरे अजीज दोस्तों, आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मदरिस के प्रत्याशियों को कामयाब करिए। जिंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह दोबारा आपके दरमियान में आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।